वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन फाल्गुन माह की शिवरात्रि का महत्व कुछ अलग ही है। इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। खास बात यह है कि इस बार महाशिवरात्रि बहुत खास है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष व्रत के साथ कई शुभ संयोग का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसका असर कई राशियों पर भी पड़ेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है। 250 साल के बाद इस दिन प्रदोष व्रत के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषाचार्य की माने तो इन योगों के साथ ही शिव योग और श्रवण नक्षत्र पढ़ने जा रहा है। 4 राशियों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होने वाली है, उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि लाभ लेने के लिए इन राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने होंगे। मेष राशि। इस राशि वाले महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक कर 3 दल वाला बेलपत्र अर्पण करें। इससे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी इस दिन मेष राशि वालों के अनुकूल रहेंगे। मिथुन राशि। इस राशि वाले महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक करें। इसके अलावा कनेर का पुष्प अवश्य अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होंगे और सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। कर्क राशि। इस राशि वाले महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। साथ ही साथ कष्ट से निवारण हेतु दूर्वा रोली और अरवा चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलेगी। सिंह राशि। इस राशि वाले जातक महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर दही से अभिषेक करें। उसके बाद 11 राम नाम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। शिव पूजा पर बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र के बारे में एक कथा पौराणिक ग्रंथों में है। इस कथा का समुद्र मंथन से जुड़ाव है। दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले विष निकला था। उस विष में बहुत गर्मी थी, जो जीव जंतु और पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गई थी। इसे बचाने के लिए भगवान शिव ने विष धारण कर लिया था। इस विष से भगवान शिव का मस्तक काफी गर्म हो गया था, जिसके कारण उनके शरीर का पानी भी कम पड़ गया। तब देवताओं ने बेलपत्र महादेव के मस्तक पर चढ़ाया और जल अर्पित किया। गौरतलब है कि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो पानी की कमी को भी पूरा करता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव को राहत मिली और वो काफी प्रसन्न हुए। महाशिवरात्रि में पूजा करने की विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ सफेद वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवलिंग का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही साथ शिव जी का चालीसा का पाठ भी करें। भगवान शिव को विशेष चीजों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।